प्यारे दोस्तों, ये दूसरा अध्याय है। कटुवाणी और मधुरवाणी में फर्क क्या होता है? जो मधुरवाणी बोलता है तो उसको हम बोलते हैं वाणी तो अनमोल है जे के उजाने बोल, वाणी तो अनमोल है जे के उजाने बोल, हीरा तो दामों मिले वाणी के नहीं बोल, ऐसी वाणी बोलिए मन का पाखोए और उनको शीतल करे आपको शीतल होए। ये दोस्तों सबसे बड़े ज्ञानी है जो कि अपने शब्दों के बाण से लोगों को मुक्त कर लेता है और सदा सदा लोग उसके अनुयायी हो जाते हैं। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा त्रिगुण सुनो आधा कहो सीखो प्रकृति विवेक, दो कान दिए हैं ईश ने वाणी देनी है। इसीलिए कम से कम बोलिए और जब बोलिए तो समझ सोच के बोलिए, शांत चित्त रहना ज्यादा उत्तम है उसके बनिस्पत कि आप कटुवाणी बोले, अपने वाणी से दूसरों को आघात करें। जीव नहीं तलवार, ये जीव है ना, ये आत्मा को हनन कर देता है अगर कटुवाणी बोलेंगे तो। अगर आप किसी को शारीरिक रूप से क्षति पहुंचाते हैं तो क्षण भंगुर होता है, लेकिन जब आप कटुवाणी बोलते हैं तो दिल को आघात करता है। इसीलिए प्यारे दोस्तों, मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ कि सहनशील व्यक्ति परम आदरणीय माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी एक ऐसे महापुरुष हैं भारत के राजनीतिक क्षेत्र में जिन्होंने अपने आप को गाली प्रूफ बना लिया है। जितने भी विपक्षी दल हैं उनके महानता से, उनके सत्कर्म से, उनके आंदोलनकारी निर्णयों से इतने क्षुब्ध हो गए हैं कि उनकी राजनीति क्षितिज पर सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लग गया है। इसीलिए वो विषवाणी का प्रयोग करते हैं, असंख्य गालियों से उन्हें भेजने की कोशिश करते हैं। और अभी कुछ ऐसे उशृंखल उदंड ऐसे व्यक्ति भी हैं जो उन्हें धंडे मारने की धमकी देते हैं। लेकिन आपने सुना होगा पार्लियामेंट हाउस में, लोकसभा में उन्होंने ये लोगों को बताया कि वो गाली प्रूफ तो पहले ही थे, ही इज अब्यूज प्रूफ, गाली प्रूफ तो पहले ही थे, लेकिन अब आप अपने आप को दंडा प्रूफ भी बनाने चाहते हैं और इसीलिए अधिक से अधिक सूर्य नमस्कार करेंगे। प्यारे दोस्तों, ये सहनशीलता, इतने कठोर अपने आप को बना लेना, जो बुद्ध ने कहा था वो सांप जो जहरीला हो, जो विषधर नाग हो, जहर देता है लेकिन आप लीजिए नहीं, विषवाणी बोलता है लेकिन आप लीजिए नहीं, इसके लिए बहुत ही आत्मसंयम चाहिए। इसीलिए तो तुलसीदास जी ने कहा खोद खाद धरती सहे काट कूट बन रहा है, कुटिल वचन साधु सहे औरों से सहा न जाए, बूंद अघात सही गिरी कैसे खल के वचन संत स जैसे। यारे दोस्तों, खल के वचन संत स जैसे, ये तुलसीदास की चौपाई है। और जो मैं पहले बोला खोद खाद धरती सहे काट कूट बन रहा है, कुटिल वचन साधु सहे औरों से सहा न जाए, ये कबीरदास की दोहे हैं। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप अगर सत्य न्याय प्रेम शांति अहिंसा के पथ पर चलते हैं, करुणा दया स्नेह सहयोग के रास्ते चलते हैं, सबका साथ सबका विकास सबके लिए विश्वास पात्र बनते हैं, तो आप अपने नियम कानून कायदे पर चलते रहिए। दुर्जन ईर्ष्यालु दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति वो आपको प्रगतिशील ज्वलंत सूर्य के रोशनी जैसे सर्वशक्तिमान मारतंड प्रजंट नहीं देखना चाहते, इसीलिए वो ईर्ष्या से आपको गालियां देते हैं, आपके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। ये मोदी साहब ही सीख सकते हैं, बाकी लोगों को बड़ा मुश्किल होगा, हमको तो बहुत ही मुश्किल होता है दोस्तों, लेकिन मुश्किल काम करने वाला ही महान व्यक्ति होता है, इसलिए मुश्किल
करने में घबराइए नहीं, याद रखिए क्षमा बरन को उचित है छोटन को उत्पात, क्षमा बरन को उचित है छोटन को उत्पात, विष्णु का क्या घटी गया जब मीरग ने मारी लात। जब कृष्ण भगवान धर्मों की किताबों में लिखा है जंगल में ध्यान अवस्था में थे तो पीतांबर वस्त्र देखकर जंगली एक हिरण आके उनको लथाड़ने लगी, पछाड़ने लगी, तो कृष्ण ने उसको वीरित नहीं किया, तारित नहीं किया, क्षमा कर दिया, क्योंकि उन्हें मालूम था ये अज्ञानी हिरण जानता नहीं ये क्या कर रहा है। यही कर्म किया था जीसस क्राइस्ट ने, फॉरगिव देम लॉर्ड दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। हे ईश्वर, हे मेरे पिता परमेश्वर, ये अज्ञानी मुझे क्रूसीफाई कर रहे हैं, मेरे सर पर कांटे के ताज डाल रहे, इन्हें माफ कर दो, इन्हें मालूम नहीं क्या कर रहे हैं। सोक्रेटिस भी कहा था जब उनको हेलमॉक पिलाया जा रहा था मारने के लिए, तो उन्होंने उन सबों को क्षमा कर दिया था। तो प्यारे दोस्तों, ये बहुत अद्भुत सहनशीलता है, बहुत पेशेंस की आवश्यकता है, लेकिन हमें भरसक प्रयास करना चाहिए कि मूर्खों से दूर रहें। छारिमन हरि भुवन के संग जाके संत कुभी जत हैं प्रत भजन में भंग, सूरदास की काली काम भी चढ़त में दूजो रंग। ये सुधरेंगे नहीं, और हमारे और आपके हाथ में तीनों सेना की शक्ति नहीं है, हम इन्हें तोप से उड़ा नहीं सकते, इनका सर्वनाश नहीं कर सकते। अगर होता तो इनका सर्वनाश ही मानवता के लिए कल्याणकारी होता, लेकिन हम कानूनों के बंधन में बंधे हुए हैं, जकड़े हुए जंजीर से। इसीलिए बुद्ध ने कहा कमजोर व्यक्ति रिवेंज लेता है, प्रतिशोध की भावना में आग में जलता है, जलता है और जलाता है। ज्ञानी व्यक्ति क्षमा कर देता है, और सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बुद्ध भगवान उसको ध्यान ही नहीं देता है, जैसे कि उसने देखा ही नहीं, सुना ही नहीं। आपका जय हो, कल्याण।